आज हम पाचन की कार्यकी पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ भोजन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि भोजन क्या चीज है और उसका महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसके लिए ऑक्सीजन, जल और भोजन, इनकी आवश्यकता यहाँ पर होती है। भोजन हमें ऊर्जा देने के अलावा कई और कार्य करता है, जैसे ताप नियमन, वृद्धि, कोशिका और ऊतकों की मरम्मत। ये जो कार्य हैं ये भोजन के द्वारा संपन्न होते हैं। भोजन पौधे जो हैं वो स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और दूसरे जंतु भोजन के लिए पौधों पर या उनके उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि भोजन क्या है, उसको अगर हम देखें तो भोजन एक ऐसा आवश्यक पदार्थ है जो शारीरिक ऊतकों द्वारा अवशोषित करने पर जीव को बिना हानि पहुंचाए ऊर्जा की प्राप्ति, वृद्धि, ऊतकीय मरम्मत और जैविक क्रियाओं के नियमन के लिए विभिन्न घटक जो हैं वो उपलब्ध कराता है। तो भोजन का महत्व क्या है? पहली चीज़ ध्यान रखिए कि ये हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक ईंधन का काम करता है। दूसरा, कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म के निर्माण का कार्य करता है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के हेतु आवश्यक होता है और कोशिका और ऊतकों की मरम्मत का कार्य ये करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ जो रेगुलेटरी कंपाउंड्स हैं, जैसे आपका हार्मोन, उनके लिए ये प्रिकर्सर हार्मोन और एंजाइम के पूर्ववर्ती उत्पाद भी हम भोजन के द्वारा लेते हैं, जिनको हमारा शरीर बाद में एंजाइम और हार्मोन के अंदर परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ जो कि हमारे लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं वो भी हमें भोजन के द्वारा मिलते हैं, जैसे कि विटामिन्स। प्रमुख स्रोत क्या हैं भोजन के? जो स्टेपल फूड जिसे कहा जाता है वो है गेहूं, चावल, मांस, मक्खन, दूध, फल और हरी सब्जियां। ये तो एक बाह्य प्रकार की बात हो गई हमारी, लेकिन अगर हम भोजन की प्रकृति देखें, रासायनिक प्रकृति क्या है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं वो वास्तव में कौन सा रसायन जो है वो है, तो इनको हम मुख्य रूप से यहाँ जो शो किया हुआ है उसके अनुसार कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, जल, विटामिन और खनिज लवण, इनके अंदर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हम केवल फूड के बारे में पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनका क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद वाले चैप्टर्स में हम धीरे धीरे इसकी आहार नाल की संरचना और वहाँ होने वाले पाचन के कार्य विभिन्न भागों में किस प्रकार से होते हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसा हमने बताया था, पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। नाम का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं और इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। इसको हम सामान्यतः CnH, इससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप सीधा सा ये समझिए कि कार्बन के साथ में जल का अणु जुड़ जाता है और वो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, CnH2O(n)। इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है CnH2O(n), यानी जितने कार्बन हैं उतने ही उसके साथ में जल के अणु जुड़े हुए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य बातें हैं वो हम ध्यान रखें यहाँ पर, कि हम इनको 1900 ग्राम अप्रोक्सीमेटली स्टोर करके और रख सकते हैं। इनकी हमारे शरीर में जो स्टोरेज साइट है वो है हमारा यकृत और मसल।
हमारे शरीर को दिन भर में लगभग 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। सोर्स क्या है, हम कहाँ से लेते हैं इनको? सोर्स जो है वो मेनली इसका अनाज है, राइस, वीट और मेज, जो कि हमारा स्टेपल फूड है। उसके अलावा पल्सेस, दालें, पोटैटो, फ्रूट, शुगर केन, मिल्क, हनी और शुगर। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम देखें तो यानी एक ग्राम जो है वो हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा जो है वो देता है, तो ये 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। और इसकी जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है कि वास्तव में हमारे शरीर में जो उपयोग में आने वाली है वो 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो बाद में क्लासिफिकेशन और पढ़ेंगे हम इसका, तब आपको बताएंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, उनमें पाए जाने वाले फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। ये आपने केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ा हुआ है, एल्डिहाइड और कीटोन। जो एल्डिहाइड वाले हैं उनको एल्डोसेस, और जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप जिनमें होता है उनको कीटोसेस कहा जाता है। ऐसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिनमें कि फ्री एल्डोस या कीटोस ग्रुप होता है उनको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। और प्रैक्टिकल में भी है आपकी, ये वहाँ पर हम इनका टेस्ट करके देखेंगे, तो फैलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो इनके लिए किया जाता है। तो रिड्यूसिंग शुगर वहाँ पर आपको और डिटेल में इसके बारे में बताएंगे कि वहाँ क्या होता है कि क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस स्टेट में ये कन्वर्ट कर देता है, इसलिए हमारे को ब्रिग्रेड टाइप का ये कलर जो वहाँ पर ये मिलता है। फ्रक्टोज या लेवलोज जो है वो एक फ्रूट शुगर है, जबकि ग्लूकोज जो है वो एक ग्रेप शुगर कहा जाता है, या इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। दो मोनोसेकेराइड जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसमें डिहाइड्रेशन होता है। अगर हम मिल्क का कंपैरिजन करें, कंपेयरिंग टू द मिल्क ऑफ काउ, बफेलो, गोट, लेक्टोज इज हाईएस्ट इन ह्यूमन मिल्क। लेक्टोज शुगर जो है वो ह्यूमन मिल्क में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसी तरह से काइटीन जो है वो एक पॉलीसेकेराइड होता है जो कि कीटों में एक्सोस्केलेटन बनाता है, और इसकी जो यूनिट है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, ये नाम ध्यान रखें, इसके ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। और हमारा जो फूड है उसका मेन सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। आप जान सकते हैं कि हम डेली जो खाना खा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से हम क्या खाते हैं, चपाती खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है, तो सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला भाग कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट करता क्या है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में, कि ये फ्यूल का काम करता है। मोनोसेकेराइड जो है वो स्ट्रक्चरल कंपाउंड हैं। राइबोज पेंटोज शुगर होती है जो कि आरएनए का कंपोनेंट है, और कई कोएंजाइम जैसे कि एनएडी, एफएडी होते हैं, और इसके अलावा एनर्जी कैरियर का पार्ट होता है एटीपी और जीटीपी का। डीऑक्सीराइबोज जो है वो डीएनए के अंदर पाया जाता है, और गैलेक्टोज जो है वो मेडुलरी शीथ जो है वो बनाता है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मोनोशुगर्स, मोनोमर्स जो हैं वो, और रिजर्व फूड के रूप में हमारे शरीर के अंदर ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके और रखा जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये फैट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो ग्लूकोज जो है वो एंटी कीटोजेनिक रोल प्ले करता है, और ये फैट के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के समय कीटोन बॉडीज इससे फॉर्म जो है वो हो जाती है। ये अमीनो एसिड के सिंथेसिस में भी काम में आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स का क्या अर्थ है पहले इसको आप समझ लीजिए कि मोनोसेकेराइड क्या चीज़ है। मोनोसेकेराइड जो हैं वो सिंपल शुगर कहते हैं, और केवल एक सेकेराइड का यहाँ पर होता है। इसमें पाए जाने वाले कार्बन के संख्या के आधार पर इनको ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज कहा जाता है। इनके एक एक उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि ग्लिसरेल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट हम पढ़ चुके हैं पहले ग्लाइकोलाइसिस में, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने। ये तीन कार्बन वाले कंपाउंड हैं इसलिए इनको ट्रायोज कहते हैं। इसी तरह से टेट्रोज, इरिथ्रुलोज है, पेंटोज यानी पाँच कार्बन शुगर जो है वो दो नाम आप जानते हैं अच्छी तरह से, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। इसके अलावा एक राइबुलोज और जाइलुलोज। इसी तरह से हेक्सोज यानी कि जो छः कार्बन वाले हैं उनमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज आप जानते हैं, अभी एक गैलेक्टोज मैंने आपको नाम बताया है यहाँ पर, ये तीन आप इनको ध्यान में रखेंगे। अब ओलिगोसेकेराइड क्या है कि जब दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड एक दूसरे के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं
तो इनको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं।